हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गलावटी कबाब या गलावटी कबाब की रेसिपी। टेंडर गलावटी कबाब दैट मेल्ट इन योर माउथ विद अ बर्स्ट ऑफ फैबुलस अवधी कुजीन फ्लेवर। द फेस्टिवल ऑफ ईद इज इनकम्प्लीट विद दिस किंग ऑफ कबाब। टू अचीव द परफेक्ट कबाब, फॉलो दिस स्टेप वाइज रेसिपी। स्टे कनेक्टेड, hope you all would like it, keep watching। फर्स्ट स्टेप में हम कीमे को पहली बार मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है 350 ग्राम कीमा। इसमें मैंने 20% फैट या चर्बी इस्तेमाल की है और इसे मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट, जो है कच्चे पपीते का पेस्ट, जिसे छिलके के साथ ही पीस ले। और इसे अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कबाब में कीमे के चंक्स रह जाएंगे और वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। ऐड करें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच देसी घी जो आधा ही इस्तेमाल करेंगे और 1/2 चम्मच सेकेंड मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कच्चे पपीते की पेस्ट की वजह से कीमा बहुत ही अच्छी तरह से गल जाता है और इसे कवर करके 35 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। जब तक कीमा गल रहा है, मीनवाइल इसका ड्राई मसाला रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 से 4 लौंग, 5 से 6 काली मिर्चें, 4 हरी इलायची छिलकों के साथ, 2 से 3 लॉन्ग पेपर या पिपली, ये आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाती हैं। अब 1 बड़ी इलायची के सीड्स ही लेना है, छिलके हटा दें। 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बादियान का फूल चक्रफूल और 1/4 जायफल, 1/2 चम्मच काला जीरा या शाही जीरा, 2 तेज़पत्ते, 1 से 2 जावित्री। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच खसखस, द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 ब्राउन किया हुआ प्याज और 5 से 6 ब्राउन किए हुए काजू। अब इन सारी चीज़ों को पीस के इसका पाउडर बना लें। इस मसाले की सिर्फ 1 बड़ा चम्मच क्वांटिटी ही हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कीमा ज़्यादा हो तो आप इसे डबल कर सकते हैं। नाउ इन अ थर्ड स्टेप हम कीमे में फ्लेवर्स ऐड करेंगे। कीमा अच्छी तरह से गल चुका होगा, अब इसमें ऐड करें 1 चम्मच हमारा बनाया हुआ स्पाइस पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए ही इस्तेमाल होगा, 1/2 चम्मच रोज़ वाटर, 1/4 चम्मच केवड़ा वाटर, 1/2 चम्मच देसी घी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। कबाब की बाइंडिंग के लिए ऐड करें 3 बड़े चम्मच भुने हुए चने का पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप बेसन को भी भून के इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट फ्लेवर के लिए आप हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कबाब को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कीमे के मिक्सचर के सेंटर में एल्युमिनियम फॉइल या तो फिर एक स्टील का छोटा सा बाउल रख दें। अब इस पर एक जलता हुआ कोयला रखें और इसके ऊपर घी या तेल के कुछ कतरे ऐड करें। जैसे स्मोक आ जाए इसे अच्छी तरह से कवर कर दें। इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि सारा स्मोक अच्छी तरह से कीमे में इन्फ्यूज हो जाए। नाउ द फाइनल स्टेप, अब यहाँ पे कबाब को फ्राई करेंगे। मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक पैन या तवे पे घी ऐड कर लें और गैस का फ्लेम हाई रखें। कोशिश करें यहाँ देसी घी का इस्तेमाल करें। हाथ को पानी या तेल से ग्रीस करके कबाब बना लें। परफेक्ट शेप इसका आना ज़रूरी नहीं है,
अब इसे केयरफुली तवे पे ऐड करें और गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दें और कबाब को दोनों साइड से पका लें दो दो मिनट तक, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। वेरी हार्ट वार्मिंग एंड डिलीशियस सेटिस्फाइंग एपिटाइजर इज रेडी टू सर्व। इंग्रेडिएंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस रेसिपी। गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई। आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर अपडेट्स। सी यू सून विद अनदर वीडियो। अंटिल देन स्टे होम स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Always make